गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजयपाल विजिटिंग हिस्ट्री GEE SSS रोड़ाई रेवाड़ी से। सब्जेक्ट हिस्ट्री में क्लास 11th के चैप्टर 6 तीन वर्ग के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो उद्देश्य हमारे सामने है वो है मध्यकालीन यूरोप। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 1300 से 1700 ईस्वी के बीच होने वाले परिवर्तनों, जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को समझना और उनको जानना, विशेष करके ना इंग्लैंड और फ्रांस के संदर्भ में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। इन दोनों कंट्रीज के संदर्भ में हमें इस पूरे चैप्टर को समझना है। इसके साथ सामंतवाद, जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, उसको जानना, साथ ही उसका समाज पर क्या प्रभाव रहा, इसको भी जानना और समझना इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स, प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, सामंतवाद का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म। दूसरा पॉइंट है फ्रांस और इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के संदर्भ में इस पूरे चैप्टर को समझना है। तीसरा पॉइंट जो रहेगा, समाज के तीन वर्ग, अभिजात, पादरी और किसान। चौथा पॉइंट रहेगा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पॉइंट है चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासी। अगला पॉइंट है 14वीं सदी का संकट। नेक्स्ट है सामाजिक असंतोष, और लास्ट जो टॉपिक इसमें रहेगा वो है राजनीतिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं सामंतवाद का परिचय से। सामंतवाद जो वर्ड है उसको इंग्लिश में फ्यूडल या फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। फ्यूडलिज्म वर्ड है वो जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा का एक शब्द है फ्यूड, उससे बना है। और फ्यूड का जो शब्द है उसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। यानी कि सामंतवाद मुख्य रूप से भूमि या जमीन या खेती से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सबसे ऊपर राजा होता है, राजा के अधीन बड़े बड़े लॉर्ड होते हैं, या बड़े बड़े एक प्रकार के आप सामंत कह सकते हैं, बड़े सामंत होते हैं, या लॉर्ड कह सकते हैं उनको, बिग लॉर्ड्स। इन बड़े सामंतों के नीचे छोटे सामंत होते हैं, या कह सकते हो स्मॉल लॉर्ड्स। इन छोटे सामंतों के नीचे किसान, जो इनकी जमीन पर खेती करते हैं, और सबसे नीचे समाज में है दास, स्लेव्स। ये एक प्रकार का समाज का एक ढांचा है, हायरार्की ऑर्डर है। राजा पूरे स्टेट या पूरे राज्य का मालिक है, वो अपने पूरे राज्य की जो जमीन है वो बड़े बड़े सामंतों में बांट देता है। आगे वो सामंत, मान लीजिए राजा के पास 10,000 एकड़ जमीन है, राजा ने उस 10,000 एकड़ जमीन को बड़े सामंतों, मान लीजिएगा 10 बड़े सामंतों में उसको 1,000 एकड़ के तौर पे बांट दिया है। फिर वो बड़े सामंत उस 1,000 एकड़ की उनके पास जमीन है, मान लीजिएगा उसको 10, 20, 50, 100 छोटे छोटे सामंतों में उसको बांट दिया। फिर वो सामंत खुद खेती नहीं करते हैं, और उस जमीन पे खेती करने के लिए किसानों को रखा जाता है। किसान दो प्रकार के हैं, एक स्वतंत्र किसान है। स्वतंत्र किसान का मतलब क्या हो गया कि ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, लेकिन चूंकि वो एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, इसलिए वो जो सामंत है उसकी जमीन पर भी खेती करते हैं,
लेकिन वीक में 2 या 3 दिन के लिए, बाकी समय वो अपने खेतों में काम करते हैं। इसके अलावा समाज में एक ऐसा ग्रुप है जो स्वतंत्र नहीं है, दास है। जैसे आजकल हम पशु पक्षियों को खरीद लेते हैं, उसी प्रकार से समाज में एक ऐसा समय था जब इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, तो ऐसे लोगों को दास कहा जाता है। ये लोग एक प्रकार से बंधुआ मजदूर होते थे और सामंत की जमीन पर काम करते थे। इनके लिए अपना खुद का कोई प्रॉपर्टी या जमीन नहीं होती थी। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे ये दो इसमें डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि समाज में 3 वर्ग हैं। सबसे पहले अभिजात वर्ग है, उसके बाद पादरी वर्ग है, और उसके बाद किसान या सामान्य वर्ग। हम यहां पे लिख भी देते हैं, सबसे ऊपर जो समाज के जो 3 वर्ग हैं उसमें महत्व के आधार पे या उनके अधिकारों के आधार पे उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले पे पादरी आते हैं जो चर्च या धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। दूसरे में अभिजात आते हैं या उच्च वर्ग के लोग आते हैं जिनके पास बड़े बड़े जमीन के क्षेत्र हैं। और तीसरे में सामान्य जनता आती है जिसमें मुख्य रूप से किसान है या दास है। तो ये एक प्रकार का सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। और सामंतवाद एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो समाज को आपस में कनेक्टेड किया हुआ है, और एक जो ऑर्डर ये हमने दिखा रखा है इस ऑर्डर को ये फॉलो करता है। सामंतवाद की जो जड़ें हैं वो मुख्य रूप से हमें प्राचीन जो रोमन साम्राज्य है उसमें देखने को मिलती है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो रोमन एम्पायर में हमें देखने को मिलती है, और बाद में फ्रांस में ये विशेषताएं पाई जाती है। फ्रांस के बाद आगे इंग्लैंड, और उसके बाद इटली, और फिर धीरे धीरे सारे यूरोप में इस तरह का व्यवस्था या इस तरह का जो सिस्टम है वो एक्सपेंड करता चला जाता है। लगभग 11वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी, ये व्यवस्था है पूरे यूरोप में एक्सपेंड कर जाती है, पूरे यूरोप में इसका विस्तार हो जाता है, और बाद में इस तरह की व्यवस्था में भारत में भी देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, फ्रांस और इंग्लैंड को देखते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं जो गॉल है ये प्राचीन रोमन साम्राज्य है, उसका एक प्रांत था। बाद में एक जर्मन जनजाति है फ्रैंक, इस जनजाति ने गोल पर अपना अधिकार कर लिया और गोल से ये बन गया फ्रांस। इस फ्रैंक नामक जो जनजाति है इसी के नाम से ये फ्रांस बन जाता है। और बाद में एक प्रसिद्ध शासक है शार्लमैन, जिसका समय 8वीं सदी के बीच में है। उसने सामंतवाद को एक प्रकार से शुरू करने में या फ्रांस में उसका विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शार्लमैन जो फ्रांस का शासक रहा है, इसका पोप के साथ, पोप यानी कि जो ईसाई समुदाय है या ईसाई दुनिया है उसका एक प्रकार का धार्मिक मुखिया है, यानी कि धर्म के क्षेत्र में वो एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाता है। पोप या चर्च का हेड कह सकते हैं अभी से, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शार्लमैन का पोप के साथ बड़े अच्छे या प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, और चर्च ने ही या पोप ने शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसको पूरे जो रोमन साम्राज्य है या ईसाई साम्राज्य है उसका एक प्रकार से पवित्र सम्राट घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। आज का जो इंग्लैंड है, यहां पर आप जैसे मैप में देख रहे हैं,
कि मध्य यूरोप से दो जनजातियां हैं, एक एंजिल और दूसरी सैक्सन। इन दो जनजातियों ने इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया लगभग 400 बीसी या 400 ईसा पूर्व के आसपास, और बाद में ये जो जनजाति है इसी के नाम से ही, यानी कि एंजिल लैंड, और एंजिल लैंड से ही बाद में इंग्लैंड नाम बनता है। इसके बाद लगभग 11वीं सदी में फ्रांस का एक प्रांत है नारमंडी, इस नारमंडी का राजा या ड्यूक कह सकते हैं आप, नाम है विलियम। इसके द्वारा इंग्लिश चैनल को पार करके ना, आप लोग जानते हैं जैसे मैप में देख रहे हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो चैनल है उसको इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं, और इस चैनल को पार करके ना इंग्लैंड पे अधिकार कर लिया। और इंग्लैंड पे अधिकार करने के बाद पूरे इंग्लैंड की जो जमीन है, भूमि है, उसको नपाया गया और लगभग 180 भागों में उसको बांट दिया गया, और इन भागों को अपने साथ आए सेनापतियों में डिवाइड कर दिया गया। और बाद में यही सेनापति अभिजात के तौर पे या नोबल्स के तौर पे जाने गए, और राजा और अभिजात के बीच में एक रिलेशन हो गया, यानी कि राजा ने जमीन को अभिजातों में बांट दिया, बदले में अभिजातों ने राजा को आश्वासन दिया कि किस चीज का लगान वसूलने का, सैनिक उपलब्ध करवाने का, और समय समय पर राजा के आदेशों को मानने के लिए। इस प्रकार यह सिस्टम डेवलप हो गया। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समाज का तीन वर्गों में विभाजन, या समाज का तीन वर्गों में बंटवारा। और तीन वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है पादरी, जो धार्मिक मामले देखता है या धार्मिक मामलों को सुलझाता है, या ये कह सकते हैं ये चर्च से संबंधित ग्रुप है, वर्ग है। दूसरा है अभिजात वर्ग, या इसको हम उच्च वर्ग कह सकते हैं, या नोबल के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें बड़े बड़े जागीर या भूमि पर अधिकार करने वाले लोगों का यह समुदाय है, साथ में राजा भी इसी ग्रुप का एक सदस्य है, या राजा इस समुदाय का सभी में से पहला एक पर्सन है या व्यक्ति है। तीसरा जो वर्ग है वो सामान्य वर्ग है, या सामान्य जनता का वर्ग है, जिसमें मुख्य रूप से किसान है, और किसानों में भी दो प्रकार के ग्रुप कह सकते हैं। एक है स्वतंत्र किसान, जिनकी अपनी जमीन या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, और दूसरा है दास, स्लेव्स, जिनके पास किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। एक एक करके हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये समाज का जो बंटवारा है, विभाजन है, ये पादरी वर्ग के द्वारा किया गया है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्गों में समाज बटा हुआ है, और इसका बंटवारा ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जब हम ब्राह्मण शब्द की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर कास्ट को नहीं बताता है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को बताता है जिसमें पढ़े हुए लोग शामिल होते थे। ऐसे ही यूरोप में जब समाज का बंटवारा किया गया तो पादरी वर्ग ने किया है, इसलिए इन्होंने अपने आप को एक नंबर पर रख लिया है। हालांकि समाज में अधिकारों की अगर बात करते हैं, या समाज में वैल्यू की या इंपोर्टेंस की बात करते, तो अभिजात वर्ग एक नंबर पे आता है, और तीसरा वर्ग है सामान्य जनता, बेसिकली किसान है। तो एक एक करके हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समास के दूसरे वर्ग की। हालांकि क्रम में दूसरा है लेकिन महत्व के हिसाब से ये पहले नंबर पे आता है, अभिजात वर्ग, जिसको हम लोग उच्च वर्ग के नाम से जान सकते हैं या नोबल के नाम से जान सकते हैं, नोबल क्लास या उच्च वर्ग। अभिजात वर्ग में कौन लोग हैं? जो बड़े बड़े लॉर्ड हैं, बड़े बड़े लॉर्ड हैं, जिसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े सामंत हैं, जिनके पास एक एक हजार, दो दो हजार एकड़ भूमि या जमीन है। क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि सारी भूमि का जो मालिक है वो राजा होता है, और राजा आगे फिर उस भूमि को अपने सामंतों में या लॉर्ड में बांट देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राजा के पास जो जमीन है सामंतों के पास पहुंच गई है, सामंत उसमें खुद खेती नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि उस पर किसान खेती करेंगे और एक प्रकार का रिलेशन बन जाएगा। सबसे पहले राजा, राजा के अधीन हो गया लॉर्ड या सामंत, उसके नीचे हो गया छोटे सामंत, और फिर वास्तविक रूप से किसान या दास, यानी कि मुख्य रूप से जो काम करने वाला है वो किसान है और मालिक है वो राजा है। और ये दो जो ग्रुप है एक प्रकार के मध्यस्थ हैं, बिचौलिए हैं। हालांकि ये सीधे तौर पे खेती नहीं करते हैं लेकिन खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपना एक ग्रुप है, ये लोग काम करके इसको पे करते हैं, ये लोग इसको पे करता है, और ये फिर आगे राजा को पे करते हैं। तो एक चेन सिस्टम बन जाता है। इस पूरे सिस्टम में एक व्यवस्था है जिसको हम वैशल के नाम से जानते हैं या वैसलेज के नाम से जानते हैं। वैसलेज एक प्रकार का भूमि से संबंधित एक व्यवस्था है, भूमि संबंधी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, राजा के बीच में और इन सभी ग्रुप के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट है। ये लोग किसान या जो सामंत है एक प्रकार से राजा से एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें जमीन दे रहे हैं, हम जमीन के बदले में आपको टैक्स देंगे, कर देंगे, साथ में जरूरत पड़ने पर हम आपको सेना या सैनिक उपलब्ध करवाएंगे, और इस इलाके में कानून व्यवस्था है यानी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करेंगे। इस प्रकार का सिस्टम है। और इस पूरे सिस्टम में दो एक प्रकार का सिस्टम सब सिस्टम और है। एक को हम मेनर कहते हैं, यानी कि मेनर व्यवस्था, और दूसरी को हम फीफ कहते हैं, यानी कि फीफ व्यवस्था। मेनर व्यवस्था में क्या होता है कि जो लाड है या सामंत है, जहां पे सामंत रहता है उसके आसपास उस जमीन पे काम करने वाले लोगों के घर होते हैं। सामंत की पूरी जमीन है, जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे अलग अलग भागों में बटी हुई है, मौसम के हिसाब से उसको अलग अलग समय पे खेती की जाती है। कुछ चारागाह के लिए पशुओं को चरने के लिए है, कुछ बंजर भूमि है, कुछ रेतीली भूमि या पहाड़ी भूमि है, और कुछ सामुदायिक जमीन है। तो मेनोर में क्या होता है, लॉर्ड का घर, आसपास उसकी जमीन, उसकी जमीन में काम करने वाले लोगों के घर, और एक प्रकार के बीच में उसका एक दुर्ग या किला। तो ये मेनर व्यवस्था है, और ये किसके बीच में जुड़ी हुई है, ये लॉर्ड और किसान के बीच में सिस्टम है, सेम है। यानी कि मेनर व्यवस्था में किस किस के बीच में रिलेशन है, लॉर्ड और राजा के बीच में। सेम ऐसे ही फीफ में लॉर्ड और सैनिक के बीच में या
सेनापति के बीच में एक रिलेशन हो जाता है। सेनापति लॉर्ड को यह आश्वासन देता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसको सैनिक उपलब्ध करवाएगा, और ऐसे ही जो मेनोर जमीन का क्षेत्र है, ऐसे ही फीक भी जमीन का क्षेत्र है, ये लॉर्ड अपने क्षेत्र को कई क्षेत्र में बांट देता है, और उसको अब एक प्रकार से हम इसको हम फीफ के तौर पे देख सकते हैं। और इस फीफ में एक अलग से ग्रुप है जो काफी फेमस है, जिसको हम नाइट्स के तौर पे जानते हैं। नाइट्स यानी कि अश्वारोही। अश्वारोही क्या होता है? जो घोड़े की सवारी करता है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमें इन दो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, एक मैनर व्यवस्था और एक फीफ व्यवस्था। मैनर व्यवस्था है वो रिलेटेड है राजा और लॉर्ड के साथ, यानी कि राजा अपनी जमीन लॉर्ड को दे रहा है और लॉर्ड फिर उसको राजा के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही जो फीफ सिस्टम है, इसमें लॉर्ड की जमीन है और लॉर्ड उसको दे रहा है सैनिक को या सेनापति को, और ये राजा की तरह ही लॉर्ड के लिए काम करेंगे। जब भी लॉर्ड को जरूरत होगी उसको सैनिक उपलब्ध करवाएंगे, और लॉर्ड बदले में अपनी उसको जमीन दे रहा है ताकि सेनापति का या सैनिक का अपना खर्च है वो चलता रहे। तो ये दो सिस्टम थे जिसको हमें जानना बहुत जरूरी था। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में तीन बिंदुओं के बारे में बात की है। पहला हमने बात की है सामंतवाद के बारे में, यानी कि सामंतवाद क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था है, शुरुआत कहां से होती है और कैसे कैसे इसका यूरोप में विकास होता है। सामंतवाद के परिचय, इसकी पूरी ग्रोथ यानी कि इसकी प्रगति कैसे होती है, इसके बारे में। दूसरा जो बिंदु हमने डिस्कस किया है वो है, प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने तीन बिंदुओं के बारे में बात की। एक सामंतवाद, कि सामंतवाद का अर्थ क्या है, सामंतवाद की प्रगति कैसे होती है और कैसे यूरोप में इसका प्रसार होता है। दूसरा बिंदु जो हमने बात किया है वो इंग्लैंड और फ्रांस के परिचय के बारे में है, कि कैसे इसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं और कैसे वर्तमान में इसको हम जान सकते हैं। और तीसरा बिंदु जो हमने बात किया है कि समाज तीन वर्गों में बटा हुआ है, अभिजात वर्ग, पादरी और किसान। तो हमने एक वर्ग को डिस्कस कर लिया है, बाकी दो जो ग्रुप है इनके बारे में और बचे हुए टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे।